मॉडल्स वे हेल्पिंग वर्ड्स हैं जो मेन वर्ब के मोड को शो करती हैं, उसकी कार्य विधि को शो करती हैं। कौन कौन से मॉडल्स हैं? शैल, विल, वुड, कुड, कैन, नीड, यूज टू, मस्ट, मे, माइट, ये सारे के सारे क्या हैं? मॉडल्स। कौन कौन से मॉडल्स हैं? शैल, विल, मे, माइट, कैन, कुड, नीड, यूज्ड टू शुड ought to must shall will may might can could need used to or should ought to must and would ये सारे मॉडल्स हैं और ये वे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो मेन वर्ब की एक्शन या उसके मोड एक्शन मोड को शो करें। ओके, अब जैसे हम इनका यूज करते हैं वाक्यों में अकॉर्डिंग टू रूल्स, हर जैसे आप अगर आप शैल विल की बात करते हो तो शैल विल का यूज टेंस में किसी और फॉर्म में यूज हो रहा है या किसी और सब्जेक्ट के साथ यूज हो रहा है, और यहाँ पर मॉडल के तौर पर उन्हें सब्जेक्ट के दूसरे रूप में यूज हो रहा है। जैसे शैल का यूज हम टेंस फॉर्म में करते हैं आई वी के साथ, लेकिन यहाँ पर एज मॉडल हम इसको यूज करते हैं ही शी इट और यू के साथ, दे यू के साथ। ओके, कब करते हैं उसके लिए हमारे कुछ नियम है, हमारे कुछ चीजें हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इनको लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मॉडल्स के बारे में। मॉडल्स वे क्रियाएं हैं, वे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो मेन वर्ब की एक्शन मोड को बताए, जैसे शैल, विल, मे, माइट, कैन, कुड, नीड, यूज टू, शुड, ऑट टू, मस्ट, वुड, ये सारे हैं मॉडल्स। आज हम सबसे पहले करेंगे यूज ऑफ शैल। शैल का यूज आप कहाँ करते हो? अगर हम टेंस की बात करें, टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट से हम शैल का यूज करते हैं शुरू। तो अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करें, टेंस फॉर्म की बात करें, तो वहां पर हमारा शैल यूज हो रहा है सब्जेक्ट जब फर्स्ट पर्सन होगा, आई और बी के साथ टेंस फॉर्म में यूज हो रहा है शैल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आई शैल गो टू शिमला, यहां पर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है और टेंस फॉर्म में है ये वाक्य, तो हम इसे इसके साथ लगाते हैं शैल। टेंस फॉर्म में आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं? शैल लगाते हैं। तो दूसरे एग्जाम्पल देखें, वी शैल प्ले अ गेम, यहाँ वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, इसके साथ भी हम टेंस फॉर्म में शैल लगाते हैं। ओके, तो अब देखें दूसरा हम यूज कहाँ करते हैं शैल का, जब दूसरों से पोलाइट क्वेश्चन करना हो, जब दूसरों से पोलाइटली क्वेश्चन करते हैं तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं? शैल का यूज करते हैं वो फर्स्ट पर्सन के साथ। क्लियर? जैसे शैल आई मेक टी फॉर यू, यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है दूसरों से, क्या मैं आपके लिए चाय बनाऊं, वो पोलाइटली क्वेश्चन किया जा रहा है, दूसरों से पूछा जा रहा है, उस कंडीशन में शैल का यूज आई और बी के साथ कर रहे हैं। ओके, हम शैल का यूज एज ए मॉडल करते हैं जब कमांड दी गई हो, पॉसिबिलिटी शो की गई हो, या फिर प्रॉमिस किया गया हो, थ्रेटनिंग धमकी दी गई हो, दृढ़ निश्चय डिटर्मिनेशन शो की गई हो, तो उस कंडीशन में हम शैल का यूज
सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ यूज करते हैं. अदरवाइज तो टेंस फॉर्म में हम शैल का यूज फर्स्ट पर्सन आई और बी के साथ यूज कर रहे हैं. लेकिन हम यहां पर क्या कर रहे हैं, इस कंडीशन में, धमकी की कंडीशन में, प्रॉमिस की कंडीशन में, दृढ़ निश्चय, डिटरमिनेशन की कमीशन कंडीशन में, या फिर ऑर्डर कमांड की कंडीशन में, इस कंडीशन में हम शैल का यूज सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट के साथ कर देंगे. एग्जांपल के लिए देखें, सबसे पहले एग्जांपल, आई शैल, आई से, यहां पर क्या दिया गया, ऑर्डर दिया गया, मैंने कहा, मैं ऑर्डर दे रहा हूं, क्या ऑर्डर दे रहा हूं, शी शैल कम हियर, उसे यहां आना होगा. इसमें इस वाक्य के अंदर क्या दिख रहा है, हमें कमांड, ऑर्डर दिख रहा है. क्यों, ये बोल रहा है आई से, मैंने कहा, मैंने ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया, शी शैल, शी यहाँ पर थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के साथ हम क्या लगा रहे हैं, शैल लगा रहे हैं. क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इस कंडीशन में हमें ऑर्डर दिख रहा है वाक्य में. ओके, क्लियर. तो उस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन के साथ शैल लगाएंगे. अब नेक्स्ट वाक्य देखें, यू शैल गेट अ साइकिल इफ यू विन, यहाँ पर प्रॉमिस किया जा रहा है. इस वाक्य में हमें प्रॉमिस करते हुए दिख रहे कि अगर आप जीतते हो, अगर आप जीतते हो तो मैं आपको, तो आपको क्या मिलने वाली है, साइकिल मिलेगी. तो यहाँ पर यू सेकंड पर्सन है और इस वाक्य के अंदर प्रॉमिस हुआ है, तो प्रॉमिस की कंडीशन में वचन वादा किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम सेकंड पर्सन के साथ हम शैल लगा रहे हैं. अदरवाइज टेंस फॉर्म में क्या लगता है, शैल लगता है आई बी के साथ. ओके, तो ये हमारा कंप्लीट है कि जब ऑर्डर मिल रहा है वाक्य के अंदर, उस कंडीशन में हमने शैल लगाना है थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन के साथ, प्रॉमिस किया है उस कंडीशन में भी. अब नेक्स्ट वाक्य देखें, ही शैल पनिश हिम, थ्रेटनिंग दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है, तो वो क्या करेगा, वो उसको दंड देगा उसके गलत काम के लिए, या उसके जो भी उसने किया है उसके लिए क्या करेगा, पनिश करेगा. तो वो कोई क्या कर रहा है, थ्रेटनिंग दे रहा है, चेतावनी दी, धमकी मिल रही है, तो उस कंडीशन में हम थर्ड पर्सन ही के साथ क्या लगा रहे हैं, शैल लगा रहे हैं. क्लियर. तो इसी तरह से जब आपका डिटर्मिनेशन शो हो रहा है वाक्य में, उस कंडीशन में भी दृढ़ निश्चय शो हो रहा है, जैसे ही शैल डू इट, वो इसको काम करेगा, उसके अंदर दृढ़ निश्चय कि उसने करना है तो करना ही है, तो यहाँ ही शैल डू इट, शी विल कम हियर, उसके अंदर इतनी डिटर्मिनेशन है कि वो यहाँ आके छोड़ेगी, शी शैल स्टैंड फर्स्ट दिस ईयर, वो इस साल क्या आएगी, फर्स्ट आएगी, वो उसका दृढ़ निश्चय. जब इस तरह का जो दृढ़ निश्चय वाले वाक्य शो हो रहे हैं, उस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन के साथ शैल लगाते हैं. और वाक्य बोलो जो सेकंड पर्सन के साथ आप दृढ़ निश्चय के लिए लगा रहे हो शैल, यू शैल बताइए. You shall win definitely this year. तुम इस साल जरूर जीतोगी. यहाँ पर आपका क्या है? दृढ़ निश्चय. जब दृढ़ निश्चय के कंडीशन में है, तो आप वहाँ पर थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन के साथ शैल लगाओगे. Use of shall as a model या as a helping verb हम कहाँ यूज करते हैं? सबसे पहले सिंपल फ्यूचर में, सिंपल फ्यूचर में शैल का यूज हम आई और वी के साथ करते हैं. आई और वी फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं. जैसे आई शैल गो टू शिमला, मैं शिमला जाऊंगी, मैं शिमला जाऊंगा. वी शैल गो देयर, हम वहां जाएंगे. वी शैल कम टू स्कूल, हम स्कूल आएंगे. तो इस तरह की जो टेंस फॉर्म है, सिंपल फ्यूचर में आप शैल का यूज फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ करते हो. क्लियर. अब नेक्स्ट देखें, जब हम पोलाइट क्वेश्चन दूसरों से पूछ रहे होते हैं, पोलाइटली विनम्रता से हम दूसरों से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, उस कंडीशन में भी हम फर्स्ट पर्सन के साथ आई शैल का यूज करते हैं. जैसे शैल आई प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर यू, क्या मैं आपके लिए चाय का प्याला बनाऊं,
यहाँ दूसरों से पूछा जा रहा है, उसकी इच्छा को जाना जा रहा है, दूसरों को इच्छा को पोलाइटली जानना या उससे पूछना, उस कंडीशन में हम शैल का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट, अब देखें, जब शैल का यूज हम दूसरे रूप में दूसरे पर्सन के साथ करते हैं, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज किस कंडीशन में करते हैं, देखिए, जब ऑर्डर है, ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड की जा रही है, विलिंगनेस शो हो रही है, प्रॉमिस किया जा रहा है, डिटर्मिनेशन शो हो रही है, दृढ़ निश्चय प्रकट किया जा रहा है, या धमकी दी जा रही है, थ्रेटन किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, परमिशन ली जा रही है, दी जा रही है, तो उस कंडीशन में हम शैल का यूज सेकंड पर्सन, यू और थर्ड पर्सन, यू ही शी इट दे के साथ करते हैं। जैसे ऑर्डर की कंडीशन में आई से शी शैल गो देयर, मैंने कहा कि उसे वहां जाना होगा, वहां मैं क्या ऑर्डर, मैं ऑर्डर कर रही हूँ, आई से मैंने कहा, मैं ऑर्डर दे रहा हूँ और मैं ऑर्डर दे रही हूँ, क्या ऑर्डर दे रहा हूँ, क्या ऑर्डर दे रही हूँ, शी शैल गो देयर, उसे वहां जाना होगा, वहां शी के साथ क्या लगा रहे हो आप, शी है थर्ड पर्सन, शी के साथ क्या लगा रहे हो, शैल लगा रहे हो, तो उस कंडीशन में, ऑर्डर की कंडीशन में, विलिंगनेस की कंडीशन में, कि वहां आपने मैं आई शी शैल कम हियर, उसकी इच्छा है, उसकी विलिंगनेस, अंदर से स्ट्रॉन्ग डिजायर आ रही है कि वो उसकी यहाँ आने की इच्छा है, इसलिए शी शैल कम हियर, वो वहां यहाँ आएगी, वो उसकी इच्छा प्रकट हो रही है, या प्रॉमिस, प्रॉमिस की कंडीशन क्या हो रहा है, प्रॉमिस मतलब उससे वचन दिया जा रहा है, वादा किया जा रहा है, कि जैसे you shall get a cycle if you win, वहां देखो इस कंडीशन में, अगर आप जीतते हो, if you win, अगर आप जीतते हो तब क्या होगा, you shall get a cycle, तब तुम्हें क्या मिलेगी, साइकिल मिलेगी, वो उससे प्रॉमिस किया जा रहा है, पहले जीतो फिर आप प्रॉमिस करते हैं आपको साइकिल मिलेगी, तो यू यहाँ सेकंड पर्सन है, यू शैल गेट अ साइकिल, यू शैल लगा है, क्यों लगा है, क्योंकि पीछे इसमें प्रॉमिस किया जा रहा है, प्रॉमिस की कंडीशन में आपका शैल लगेगा सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ। ओके, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन जब दृढ़ निश्चय हो, दृढ़ निश्चय का मतलब जब आप अटल हो अपनी बात पर, करना है तो करना है, जैसे आई शैल विन, ही शैल विन दिस रेस, उसके अंदर इतनी दृढ़ निश्चय रखा है उसने, अटल विश्वास रखा है कि वो रेस जीतेगी, जीतेगी, वहां शी के साथ क्या लगा है, शैल लगा है, यू शैल कम फर्स्ट दिस ईयर, तुम इस साल क्या आओगे, फर्स्ट आओगे, वो दृढ़ निश्चय है उसका, इसलिए वहां डिटर्मिनेशन जब फिक्स होती है, उस कंडीशन में आप शैल का यूज सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ करते हो। वैसे ही थ्रेटन है, यू शैल पनिश हिम फॉर हर बैड बिहेवियर, उसके गलत व्यवहार के लिए तुम उसे क्या करोगे, पनिश करोगे, या थ्रेटनिंग दी जा रही है, धमकी दी जा रही है, उस कंडीशन में भी क्या हो रहा है, आपका शैल का यूज किसके साथ हो रहा है, थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन के साथ हो रहा है। क्लियर? यूज ऑफ विल, हम विल का यूज कहां करते हैं, अब विल का यूज हम सिंपल फ्यूचर में, जब फ्यूचर टेंस आएगा उस कंडीशन में हम विल का यूज सब्जेक्ट यू ही शी इट दे, मतलब सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं। जब भी टेंस फॉर्म में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस या किसी भी फ्यूचर जो टेंस है, खासकर सिंपल फ्यूचर, उसमें सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ क्या लगाते हैं, हम विल का यूज करते हैं। जैसे ही विल गेट गुड मार्क्स, ही विल गेट गुड मार्क्स, थर्ड पर्सन है, दे विल प्ले, थर्ड पर्सन है, यू विल कम हियर, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो इस तरह से हम फ्यूचर टेंस में विल का यूज फर्स्ट पर्सन यू, सॉरी सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही शी इट दे सबके साथ करते हैं विल का यूज। ओके,
जैसे आपने शैल का यूज किया उसी तरह ही उसका ऑपोजिट फॉर्म में ही विल का यूज। जैसे आपने शैल के यूज के लिए रूल्स पढ़े, देखे किस कंडीशन में लगता है किस कंडीशन में नहीं लगता है, उसी कंडीशन को ऑपोजिट करते हुए विल के लिए यूज करो। इसका उल्टा फॉर्म ही इसके लिए यूज करो। जैसे पोलाइट क्वेश्चन पूछने की कंडीशन में आप सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज करते हो, जब दोस्तों से उसकी इच्छा जानने के लिए पोलाइटली पूछना हो तब भी उसका यूज किसके साथ करते हैं, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ। अब हम बात करते हैं जब विल का यूज फर्स्ट पर्सन, विल का यूज हम फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं, जब आपका ऑर्डर दिया हो वाक्यों के अंदर, ऑर्डर की कंडीशन में, कमांड की कंडीशन में, विलिंगनेस, प्रॉमिस, डिटरमिनेशन, थ्रेट या परमिशन की कंडीशन में हाउ विल का यूज फर्स्ट आई विल हेल्प हिम इन लाइफ। इस वाक्य में क्या है, इस वाक्य में प्रॉमिस किया गया है कि मैं उसको क्या करूंगी, मैं उसको क्या करूंगा, हेल्प करूंगा इन माय लाइफ, मेरी लाइफ में यह प्रॉमिस किया जा रहा है। तो फर्स्ट पर्सन, देखिए फर्स्ट पर्सन आई के साथ विल का यूज किया जा रहा है, कब, किस कंडीशन में, जब प्रॉमिस किया जा रहा है, ओके, तब फर्स्ट पर्सन के साथ आप यूज कर रहे हो। अभी नेक्स्ट वाक्य में देखिए, आई विल टीच हिम अ लेसन, मैं उसे सबक सिखाऊंगा, मैं उसे एक अच्छा पाठ सिखाऊंगा। इस कंडीशन में देखो आई के साथ विल लगा है, क्यों लगा है के साथ विल, क्योंकि इस कंडीशन में यहाँ पर सब्जेक्ट क्या दे रहा है, धमकी दे रहा है, धमकी वाले कंडीशन में कि मैं उसे क्या करूंगा, सबक सिखाऊंगा, यहाँ फर्स्ट पर्सन के साथ विल लग रहा है, धमकी कंडीशन में, प्रॉमिस की कंडीशन में, कमांड की कंडीशन में, आई से, ही से, ही से आई विल कम हियर, उसने कहा कि मुझे यहाँ आना, मैं यहाँ आऊंगा, कहने का मतलब कि उसने कमांड किया कि वहां उस कंडीशन में आई के साथ हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं, यू वी के साथ विल लगाते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ विल लगाते हैं, धमकी कंडीशन में, प्रॉमिस की कंडीशन में, ऑर्डर की कंडीशन में, परमिशन की कंडीशन में, डिटरमिनेशन की कंडीशन में। जैसे वी विल फाइंड आउट, वी विल फाइंड आउट, फाइंड आउट द ट्रूथ एवरी कॉस्ट, हम हर हालत में क्या करेंगे, सच्चाई ढूंढ के रहेंगे। इस कंडीशन में क्या है, वी के साथ, वी फर्स्ट पर्सन के साथ यहाँ पर विल लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि इस वाक्य में क्या है, क्या चीज आपने देखी, वी विल फाइंड आउट द ट्रूथ एट एवरी कॉस्ट, डिटरमिनेशन शो किया गया, दृढ़ निश्चय शो किया गया है। तो इस कंडीशन, तो ये आपने देखा कि जब भी ऑर्डर, कमांड, विलिंगनेस, प्रॉमिस, डिटरमिनेशन या थ्रेटनिंग, परमिशन की कंडीशन में आई वी फर्स्ट पर्सन के साथ आप लगाते हो विल, ओके। तो इस तरह से ये हमारे विल शैल का यूज था। अब हम करेंगे यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ कैन, कैन का यूज हमने कहां करना है, यूज ऑफ कैन में क्या देखते हैं, पॉसिबिलिटी, संभावना, जब संभावना वाली कंडीशन में है उस कंडीशन में आप कैन यूज कर सकते हैं। जैसे एनीवन कैन स्लिप इन मड, ये पॉसिबिलिटी है कि जब कीचड़ होगा तो, कीचड़ होगा तो नेचुरली वहां पर क्या संभावना रहेगी, वहां पर गिरने की, स्लिप होने की कंडीशन में संभावना है, तो उस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, कैन लगाते हैं। फिर दूसरा है कैपेसिटी और पावर, कैपेसिटी क्षमता, योग्यता, एबिलिटी, क्षमता योग्यता या फिर शक्ति को दिखाने के लिए आप क्या करते हो, कैन का यूज करते हो। जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बंडल, आई कैन लिफ्ट दिस बंडल, वो क्या पावर दिखा रहा है, उसकी कैपेसिटी को दिखा रहा है कि मेरे अंदर इतनी